सो गाइस, ये है दिवाली स्पेशल वीडियो। अब अगर त्यौहार है तो तोहफे भी बनते हैं, तो मेरे तरफ से आप सभी के लिए इस वीडियो में पूरे 7 गिव अवे। और गाइस, दिवाली का क्या मोटिव है ये तो आप सभी को ही जानते हैं, लेकिन मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि हर त्यौहार का एक दूसरा मोटिव भी होता है, वो है खुशियाँ। तो गाइस, इस दिवाली अपने लोगों के साथ खुशियाँ बांटिए और अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पल छाटिए। गिव अवे है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करके अपना UID अटैच कर दीजिएगा। और हाँ, आप सभी को हैप्पी दिवाली। हे भगवान, कितना सारा काम बाकी पड़ा है, दिवाली भी सर पर है। अगर घर की साफ सफाई पूरी नहीं हुई तो इस बार पूजा कैसे करेंगे? ये हुआ और ये भी हो गया। माँ माँ सुनो माँ, क्या हुआ राजू, अंदर की साफ सफाई किया? एकदम चकाचक कर दिया है माँ, पर उस साफ सफाई करते करते हमको कुछ याद आ गया। हाँ राजू, मुझे पता है बेटा, एक और पटाखे की नाम याद आ गई होगी तुझे। दिन रात तो पटाखों की ही बात करता है तू, तब आ गई हूँ तेरे पटाखों वाले चोचलों से। सॉरी माँ, हमें नहीं पता था कि हम आपको परेशान कर देते हैं। वो तो बस हम आपको एक याद दिला रहे थे माँ, क्योंकि पिछले साल भी आप पटाखा लाना भूल गई थी ना। राजू मैं भूली नहीं थी बेटा, अब तुझे कैसे बताऊँ कि उस वक्त तेरे माँ के पास तेरे पटाखों के लिए पैसे नहीं थे। मुझे माफ कर देना बेटा। ये सच्ची परिस्थितियाँ है जनाब, इन्हें मत समझिए मेरा काल्पनिक ख्वाब, क्योंकि ऐसे ही अपने बच्चे को गरीबी की वजह से झूठ बोल के पछताता है एक गरीब बाप। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। राजू कहाँ है आंटी? अच्छा हो गया जो तुम आ गए, फटाकों को लेके मुंह फुला के रखा है वो, जाके उससे बात करके देखो, क्या पता मेरी बातें भूल जाए। फटाकों का मामला है तब तो मुश्किल है आंटी। एक मिनट, वो वहाँ छुप कर देख रहे हैं आंटी। क्या बोले आंटी, आप उसके लिए बहुत सारा पटाखा लेने वाले हैं? अरे नहीं बेटा, ये सब मत बोलो वरना मैं फंस जाऊंगी। आपको बस हाँ बोलना था आंटी, फटाखों का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। अच्छा ठीक है फिर बेटा, मैं राजू को बहुत सारे पटाखे दिलवाऊंगी। ये बाप रे, पटाखों का नाम सुनते ही निकल आया बदमाश। भाई तुमने सुना ना माँ ने क्या बोला, बहुत सारे पटाखे दिलवाएगी मुझे। हाँ भाई सुना, आंटी तो कब का यही बात बोल रही है, तू ही ना जाने सुनता क्यों नहीं। बता खेलने चलेगा? खेलने? अब हमारा मूड एकदम फ्रेश है, जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे। माँ हम खेल कर आते हैं। हाँ बेटा जा। अरे इसके चक्कर में तो भूल ही गई, दिया बनाने का काम अभी बाकी है। चंद लम्हों में हालात बदल जाते हैं, ये किससे छोटे घर हो गया जनाब, यहाँ पलक झपकते ही रिश्ते सुधर जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जहाँ इंडिया के 70 लाख यूजर खेल रहे हैं और कमा रहे हैं, www.lotus365.com। यहाँ पर आपको सिंपली प्रेडिक्शन करना होता है कि क्रिकेट में कौन सी टीम जीतेगी, फुटबॉल में कितने गोल पड़ेंगे। यहाँ पर 200 से भी ज्यादा कार्ड गेम है, जैसे कि रॉयल टेट, अंदर बाहर, ड्रैगन टाइगर, लकी 7 और 32 कार्ड्स, जिसमें से मेरा फेवरेट है ड्रैगन टाइगर। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपली प्रेडिक्शन करना होता है कि टाइगर के साइड अच्छे पत्ते आएंगे या फिर ड्रैगन के साइड, और सीरियसली मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। यहाँ पर अकाउंट बनाना भी बहुत सिंपल है, कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके रजिस्टर करो और 365 रुपीस बिल्कुल फ्री में बोनस लो। लोटस 365 वर्ल्ड ये इंस्टाग्राम यूजर पे जाओ और जाकर फॉलो करो और देखो कि इसे कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं। ये एकदम सेफ और जेन्युइन ऐप है। साथ ही लोटस 365 आपको देता है 24 घंटे इंस्टेंट विड्रॉल, और विड्रॉल के टाइम आपको किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं है। तो अब किस चीज का वेट कर रहे हो? 70 लाख से भी ज्यादा यूजर यहाँ पर खेल रहे हैं और डेली कमा भी रहे हैं, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? जाओ फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वैसे राजू बाकी सब तो ठीक है भाई, पर तुम आंटी को इतना परेशान काहे करते हो? तुम्हारा स्कूल का फीस भरने के लिए कितना मेहनत करती है वो। फटाके ही ना मांगे हैं भाई, तुमको ना पता ना, क्योंकि तुम नए आए हो। पिछले साल माँ ने हमको फटाके नहीं दिलवाए थे, आसपास के लड़कों ने बहुत मजाक उड़ाया था हमारा। अच्छा ऐसी बात है, तो एक ठोक बात बताओ हमको, दिवाली हर साल आती है? आती है। दिवाली में फटाके भी हर साल आते हैं? आती है भाई। हाँ पर अगर तुम्हारी माँ कौन गई तो दोबारा आएगी? माँ पर वो जाएगी भी कहाँ भाई? ऐसे तो वो कहीं भी नहीं जाएंगे, पर अगर तुम ऐसे ही परेशान करोगे तो तुमको पक्का छोड़ के जाएंगे, फिर रहना अकेले, कुछ समझे? हमको तो कुछ समझ नहीं आया भाई, तुम कुछ समझाना चाह रहे हो क्या हमको? कुछ नहीं बे, हम कल आते हैं, अभी जा रहे हैं, तुम घर जाओ। ठीक है, पर तुमको समझाने नहीं आता बे, वरना हम समझ जाते, काहे कि हम बहुत ही समझदार हैं। क्या हुआ बबलू भैया, तुम अभी काहे के लिए बुलाए हो हमको? अबे ज्यादा मुंह जुबानी मत करो, बस चुपचाप देखो हमारे लग्जरी फटाके और हमारे नए नए इमोट, ये सब तैयारी दिवाली के लिए है बे। ई वाला तो हम भी लिए हैं भैया, सस्ते में मिल रहा था है। और वो देखो भैया, अब तो फ्री में मजा भी आएगा। और भैया सच कहे तो इस बकरे को देख के हमसे रहा नहीं जा रहा, आज तो दबा के छोड़ेंगे साले को। हाँ बे थोड़ा रुक तो। कहाँ बे राजू, खाली हाथ घूम रहे, हमसे तो मिल, देख हमारे दिवाली के नए फटाके। अरे वाह भाई, ये तो कमाल के हैं। है ना, चल दिखा तेरे फटाके कहाँ हैं, या इस बार भी मम्मी ने फटाके नहीं दिलवाए।
नहीं भाई, दिवाली तो कल है ना, माँ फटाके ले आएगी, उसने बोला है हमसे। हाँ बबलू भाई, ये राजू ठीक कह रहा है, इसकी माँ तो पिछले साल भी इसको ऐसा ही बोली थी, लेकिन कोनो फटाका नहीं लाई, साले का पोपट हो गया पोपट। हाँ भाई, पर इस साल लाएगी माँ फटाके। अच्छा, और वो कैसे लाएगी? दिए बेचकर। अबे 2 रुपए में बिकते हैं दिए, और फटाकों की कीमत हजारों में है। तेरी माँ की औकात ही नहीं है फटाके दिलाने की, साला फर्नीचर कहीं का हमसे बात करता है। ऐसा नहीं है राजू, इधर आ बेटा, उनकी बात मत सुन, और तुम लोग भगो यहाँ से। भाई उस राजू भिखारी की माँ भी आ गई, हम दोनों माँ बेटे मिलके भीख मांगेंगे। सुन लिया ना माँ अपने, क्या बोलते हैं वो लोग मुझे, सब कुछ आपके कारण है माँ। हाँ बेटा, साहब तो ठीक ही कह रहे हैं, सब मेरी ही गलती है, पर तुम फिक्र मत कर बेटा, इस साल कुछ भी हो जाए मैं तुझे पटाखे ला कर दूंगी, तुम फिक्र मत कर। आपने पिछले साल भी ऐसा ही कहा था माँ, और ये सब उसी की वजह से हो रहा है, इन सब में आपकी गलती है, आपकी। राजू मुझे माफ कर देना बेटा। दोषी कह दिया जी, सबने शायद वो निर्दोष थी, क्योंकि सच्चाई तो ये था कि जो उससे बन सकता था उसने वो हर नामुमकिन कोशिश की। सोनू भाई, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वो सब तो ठीक है, पर भाई बबलू तुम यहाँ काहे के लिए आए हो, ऐसा लगता है कि कोनो बात मन में दबा के लाए हो। हाँ भाई, उका है ना, हम लोग के बीच में जो मन मुटाव था हम उसको खत्म करना चाहते हैं, और उस 2 कौड़ी के राजू का दोस्ती छोड़ो यार, हम लोग से दोस्ती करो, दिवाली में मजा आएगा। सच कहे भाई, तो हमको तुम्हारा ऑफर कुछ जमा नहीं, क्योंकि तुम हमसे यहाँ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने आए हो या राजू से हमसे दोस्ती तोड़वाने, ये हम बहुत अच्छे समझ गए हैं। अब ये दोस्ती है, बिजनेस नहीं कि पैसा देखेंगे, तो जाओ भाई, हैप्पी दिवाली। अबे पर सुनो तो, ये का साले ने हमारी ऑफर ठुकरा दी, ठीक है तुमको भी नुकसान होगा बेटा। वैसे हाँ, ये बात भी सच्ची है, 100 फर्जी यारों से 1 सच्ची दोस्ती अच्छी है। माँ मैं सोच रहा था कि हम इस बार दिवाली में पोरगेटी नहीं जाते ना। अच्छा, तो फिर और कहाँ जाएंगे? वो हमारा दोस्त है ना माँ राजू, उसके पास चलते हैं ना, उसकी माँ और उसके अलावा उनका इन दुनिया में और कोई भी नहीं है, नानी नानू के पास तो हर साल जाते हैं, इस साल उनके पास चलते हैं ना माँ। वैसे बात तो अच्छी बोल रहे तू, पर तेरे पापा को कौन समझाएगा? मतलब आपकी तरफ से तो हाँ है ना, अब पापा को हम देख लेंगे। अच्छा, ये भी सही है। वैसे माँ तो सबकी मान जाती है, पर बाप को मनाओ तब बात बन पाती है। ये ऑफिस में भी ना जाने कितना काम आते रहता है, ये प्रोजेक्ट तो अब तक तैयार भी नहीं हुआ। वो भी हो जाएगा पापा, पर थोड़ा हमारा बात भी सुन लो। तब तुमको क्या हुआ बरखुदार, मैंने बोला ना फटाकों के लिए कल जाएंगे। ओ तो हम समझ गए हैं पापा, अभी हम दूसरा अर्जी लेकर आए हैं। अच्छा, जो भी बोलना है फटाफट बोलो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। तो हम बोल रहे थे पापा कि हम लोग कल पोरगेटरी ले जाएंगे, दिवाली बनाने के लिए हमारे एक दोस्त के घर जाएंगे। क्या, ये क्या बकवास है, अभी मेरे पास और भी जरूरी काम है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर पापा, माँ आपको पता है ना आज दिवाली है, अगर आज आप पटाखे नहीं लाएंगे तो हमारा फिर से मजाक बन जाएगा। नहीं बेटा, तुम इस तरह परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे लिए पटाखे लेकर आए। कोशिश नहीं माँ, लेकर आना मतलब बहाना, भले कम लाना पर प्लीज ले आना। हाँ बेटा हम जानते हैं, पर दिया बेचकर हम कितना ही पैसा कमा लेंगे, पटाखे तो ला देंगे पर हम और कुछ नहीं ला पाएंगे। वो सब हम नहीं जानते माँ, हम दिन भर कुछ नहीं खाएंगे पर हमें पटाखे चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, कम से कम आधे दिए भी बिक जाए तो हम तुम्हारे लिए आराम से सामान ले आएंगे। आधे दिए, इसका मतलब दियो का कीमत तो बहुत कम होता होगा। ठीक है, हम कुछ करते हैं राजू के लिए। अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ माँ, बस दिए बेचाना, वरना हम अपने दोस्तों के सामने मुंह ना दिखा पाएंगे। ना जाने पापा कहाँ रह गए, उनको आने में इतना क्यों टाइम लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ ना पापा। अरे क्या हुआ सुनो बेटा, आज पापा के इंतजार कर रहे हो फटाकों के लिए? हाँ माँ, वो भी एक वजह है, लेकिन कल पापा ने हमारी बात भी नहीं सुनी थी। उन्होंने बात नहीं सुनी? कोई बात नहीं बेटा, उनसे मैं बात कर लूंगी। लो तुम्हारे पापा भी आ गए। क्या, अरे हाँ माँ, पापा तो सच में आ गए। क्या बात है भाई, आज मेरा इंतजार हो रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ कैसी पापा, हम तो आपके आने का इंतजार कर रहे थे, हमारी कल वाली बात के बारे में आपने सोचा, चले हमारे दोस्त के यहाँ। कौन सी, वो कल वाली बात? देखो सुनू, अभी मेरे पास बहुत सारे काम है बेटा, अभी मेरे पास वो सब के लिए टाइम नहीं है, पहले काम खत्म कर लूं, फिर इस बारे में बात करेंगे। पर पापा सुनिए तो, ये जरूरी है हमारे लिए। दिए लीजिए,
अरे वाह, आपके दिए तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ भैया, हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे कितने का है एक पीस? सिर्फ 2 रुपए के हैं भैया, कहिए कितने बांधू? 2 रुपए? इतने सस्ते क्यों? और इतने सस्ते हैं मतलब पक्का कोई बेमानी की है तुमने? नहीं भैया, मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, इसलिए मैं इसकी कीमत जानती हूँ। जो भी हो, मैं इतना सस्ता आदमी नहीं हूँ कि इतनी सस्ती माल ले लूँ। तुम ही रखो ये 2 रुपए के दिए, हम तो 10 वाले लेंगे। झूठी दुनिया है, इसलिए लोग दिखावा पसंद करते हैं। सच्ची मेहनत से बनाए गए चीजें नहीं, पैसे वाले चीज लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अरे यार, अब कहाँ जाऊँ, ये वाली दुकान। अरे आंटी, कितने के दिए दिए? वैसे तुम्हारे दिए तो काफी अच्छे लग रहे हैं। हाँ भैया, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाए हैं मैंने इन्हें। 2 रुपए का एक है, बताइए कितने बांधू? 2 रुपए? इतने सस्ते क्यों? पक्का कोई क्वालिटी इशू होगा। बगल वाली दुकान में तो 10 रुपए के दिखा रहे हैं। एक काम करता हूँ, वहीं जाकर लेता हूँ। महंगी चीजें तो हमेशा अच्छी होती है। जरूरी नहीं चीज महंगी है तो अच्छी ही होगी, क्योंकि बेचने वाले को उसकी सही कीमत पता होगी। आओ सोनू बेटा, मार्केट आ गया, चलो तुम्हें अच्छे अच्छे फटाके और दिवाली के सामान दिला दूं। अच्छा, पर पापा, फटाके तक तो ठीक है, पर हमको सामान यहाँ से नहीं लेना। क्या मतलब नहीं लेना, तो और कहाँ से लोगे बेटा? ये इस मार्केट की सबसे अच्छी दुकान है। हाँ पापा, होगी, लेकिन इनके पास तो सब कुछ है ना, मुझे उस दुकान से लेना है। वहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, वहाँ ना तो कोई आदमी है, ना फटाके और ना कोई अच्छी दुकान। मैंने बोल दिया ना पापा, मुझे सामान वहीं से लेना है, मतलब वहीं से लेना है। अच्छा ठीक है सुनू, अगर तुम्हें लेना ही है तो जाकर ले लो, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू पापा, आप भी चलिए। हाँ चलना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग आदमी देख के पैसे बढ़ा लेते हैं, देखना कीमत बढ़ा चढ़ा के बताएगी। अरे बेटा आओ। क्यों रे बुढ़िया, तू कोई जादू मंत्र लगा के बैठी है क्या? इस बाजार में इतने सारे दुकान है, लेकिन मेरा बेटा सब दुकान छोड़ के तेरे पास ही क्यों आया? पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? तू चुप कर, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बता बुढ़िया, कितने के दिए दिए? देखना 20-30 रुपए से कम नहीं बोलेगी। नहीं साहब, हम तो खाली दिए बेच रहे हैं, ये तो मिट्टी के बने हैं, मिट्टी के कोई पैसे नहीं लगते। हम तो खाली समय और अपने मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। एक दिया 2 रुपए का है साहब। 2 रुपए? हाँ पापा, सिर्फ 2 रुपए, और हम जानबूझ कर आए हैं इनके पास, क्योंकि ये हमारे बेस्ट फ्रेंड राजू की मम्मी है। ये क्या बेटा, तुमने तो पूरे दिए ले लिए। हाँ दीदी, उसने ठीक ही किए, हम पूरे दिए ले रहे हैं, और मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आपसे बस सुलूकी की। सबसे पहले तो आपने पूरे दिए खरीद के मुझ पे बहुत एहसान कर दिया भैया, और आप मुझसे माफी मत मांगिए। ये तो आजकल का चलना ही है, हर कोई अपने से छोटे लोग को दबा के रखना चाहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भैया। हाँ दीदी, मैं समझता हूँ, ये रखिए आप अपने पैसे। क्या, ये तो 2000 है। हाँ दीदी, और आपके मेहनत के सामने साथ ये भी कम है। चलो बेटा। आंटी, हम शाम को आएंगे घर। हाँ बेटा, धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने पैसों में तो मैं राजू के लिए बहुत सारे पटाखे ले लूंगी, घर के लिए सामान भी ले लूंगी, और नया काम भी शुरू कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं तो खुशी में भूल ही गई थी, राजू के लिए पटाखे भी तो लेने हैं। भैया, मेरे बेटे के लिए फटाके और कुछ मिठाइयाँ दे दीजिए। बिल्कुल दीदी, आपको तो स्पेशल ऑफर भी देंगे। फटाकों का इंतजार भी बड़ा अजीब होता है, नजर अपना पर किसी और के रास्ते पे होता है। कब आएंगे घर के बड़े फटाके लेके, यही सोच दिल खुश होता है। अरे वाह, माँ तो आ गई और इतना बड़ा बैग लेकर आ रही है। माँ? हाँ बेटा बोल। माँ आप क्या ले रही हो? माँ आपका बैग इतना बड़ा क्यों है? क्या लेकर आ सकती हूँ मैं? क्या हो सकता है बैग में? क्यों इतना बड़ा हो गया है मेरा बैग? क्या मेरे बेटे को नहीं पता? पता चल गया, इसमें फटाके है ना माँ? हाँ बेटा, इसमें फटाके है। हर रिश्तों में मिलावट देखी है, कच्चे रंगों की सजावट देखी है, लेकिन सालों साल से देखा है माँ के चेहरे को, ना उसके चेहरे पे थकावट और ना ममता में मिलावट देखी है। अरे बाप रे, ईका, ई कौन है माँ? अबे बुढ़वा खम है, हैप्पी दिवाली, तुमको क्या लगा था हम नहीं आएंगे? सुनो भाई, विद फैमिली आए हो का भाई? ये देखो, मम्मी ने हमको फटाके दिलवाए हैं। वो तो हमने पहले ही बोला था रे, आंटी तुमको फटाका दिलवा ही देंगी, तुम हमारे मम्मी पापा से तो मिलोगे। अरे तुमको क्या बताया सुनो बेटा, जब से फटाके हाथ लगे हैं किसी की बात ही कहाँ सुन रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बहन, सोनू बहुत बात करता है आपके बारे में। हाँ बहन,
आपका बेटा सुनू वाकई में बहुत समझदार है, पर मेरा बेटा राजू ना बहुत नादान है, छोटी छोटी बातें पे जिद करता है। अरे भाई फैमिली मीटिंग ही चल रही है तो हमको भी शामिल कर लो, वैसे भी इन जवान बच्चों के बीच में हमारा क्या काम। अरे नहीं सुनू भाई, हमारा यही वाला पटाखा तो देखो इसमें बहुत ही लाइट है, ऐसे ऐसे करके जलाते हैं और धमाका मचाते हैं। अरे तुम हो तो सही, हम बात कर लेंगे उनसे। भाई हमको भी अपने साथ। बबलू भाई आओ, दिवाली में फटाके फोड़ते हैं। ये देखो मम्मी फटाके ले आई हमारे लिए। अरे हाँ भाई देख तो रहे हैं, पर हम लोग के पास फटाके खत्म हो गए भाई, क्या हम भी थोड़े। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल, तुम लोग भी फोड़ो, तुम लोग अगर दो चार फटाके फोड़ लोगे तो कम थोड़ी ना हो जाएगा, वैसे भी दिवाली तो खुशियों का त्योहार है। वैसे बात तो सही है ना, दो चार आपके फटाके कोई और फोड़ लेगा तो फटाका कम तो नहीं हो जाएगा, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, बांटोगे तो खुशियाँ और बढ़ जाएगा। सो गाइस होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और यार गाइस इस स्टोरी से मेरा एक छोटा सा मोटिव है आपके लिए, खुशियाँ गाइस इस दिवाली सिर्फ खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए और एक अच्छी सी मेमोरी इकट्ठे कीजिए। और वीडियो में गिव अवे है तो एक प्यारा सा कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर देना, और आप सभी को हैप्पी दिवाली यार गाइस।